अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे जी, मज़े में होंगे। तो जी अल्लाह आपको खुश और आबाद रखे। तो जी आज मैं वीडियो 3-4 दिन के बाद बना रही हूँ, क्योंकि ये भी वीडियो में भी मैं 3-4 डे की रूटीन ही शेयर करूँगी आपके साथ। तो जी ये है मेरा संडे वाले दिन का व्लॉग, जिस दिन मेरी हेल्पर नहीं आती। हम मैं बना रही थी यहाँ पे मॉर्निंग में नाश्ता। नाश्ते में जी बन रहे हैं किसी के लिए रोटी और किसी के लिए पराठा। तो जी ये मैंने दाल बनाई हुई थी, दाल जो मैंने एक दिन मतलब शाम में बनाई थी और सुबह नेक्स्ट डे संडे था, तो रात में हम लोग ने दाल को रोटी डाल के डिप करके खाया था। मतलब रोटी को दाल के अंदर डाल के ना छोटी बाइट्स खिचड़ी की तरह बना के वैसे खाई थी। और सुबह में मैं बना रही हूँ पराठा और रोटी साथ में, कुछ को रोटी चाहिए कुछ को पराठा चाहिए। तो चलिए जी आप सुनाएं आपकी क्या मसरूफियत है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर किया करें, कमेंट भी किया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। लोग देखते हैं और ख़ामोशी से चले जाते हैं। और जी ये बहुत ही मज़े की नरम नरम रोटी फुल्की जो मैंने अपनी बेटी के लिए बनाई थी, उसको पराठा नहीं खाना था तो उसको बटर वाली रोटी ही चाहिए थी और साथ में दाल। और जी फिर मैं बना रही हूँ यहाँ पर गरम गरम पराठे मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए। हम लोग पराठा शौक से खाते हैं और आपको पता है सुबह नाश्ता ही तो आपने अच्छे वाला करना होता है। तो मॉर्निंग में मेरे हस्बैंड भी पराठा ही ज़्यादा शौक से लेते हैं। कोई भी सालन बना हो रात का, उसके साथ मॉर्निंग में पराठा, जो कि बहुत ही यमी लगता है, बटर वाला पराठा। तो जी नाश्ता हम सब ने कर लिया था, बाकी वीडियो मैंने नहीं बनाई नाश्ते की। तो बाकी मैं घर की क्लीनिंग करने लगी थी जल्दी जल्दी। मैंने कहा मैं ब्रश कर लूँ और फिर उसके बाद ब्रशेज मतलब स्वीप कर लूँ और उसके बाद मैं करूँगी मॉपिंग। मॉपिंग करने का आज मैं खुद मासी बनी हुई हूँ घर के कामों में के लिए। मेरी फ्रिज काफ़ी ज़्यादा मैस हुई हुई थी तो मैंने सोचा मैं उसकी भी सफाई कर लूँ। और जी फ्रिज देखिए मेरा कितना मैस हुआ हुआ है इसके अंदर। तो सारी सब्जियां पता नहीं कई दिनों की ला ला के ना मैं ऐसे ही फेंक रही थी इनको। और जी ये देखें लिक्विड मैंने घर पे ही बनाया है, हाफ विनीगर हाफ वाटर। 1 टीस्पून आप इसमें लिक्विड सोप डाल दें। और जी साथ ही में मैंने इसमें लेमन या आप ऑरेंज के छिलके कट करके ना इनको वेस्टेज में मत फेंकें, इस बॉटल लिक्विड में डाल दें, उससे बहुत अच्छी ऐसी खुशबू भी आएगी आपकी स्प्रे में से। तो जी मेरे लिए तो ये बड़ा कन्वीनियंट सा है स्प्रे, घर में ही बना लेती हूँ और इसको यूज़ करती रहती हूँ। जब ख़त्म हो जाता है तो मैं दोबारा से बना लेती हूँ। तो जी यहाँ पर मैं क्लीन कर रही हूँ अपना स्टोव, जो कि बहुत ही अच्छा क्लीन होता है विनीगर वाली स्प्रे के साथ। तो जी ऑलमोस्ट 11-12 का टाइम, 12 बज चुके थे और मेरे अभी किचन के काम फिनिश ही नहीं हो पाए और मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ अपने निपटा रही हूँ काम, क्योंकि आज मैंने बच्चों के बालों में ऑयलिंग भी करनी थी और यहाँ पर बर्तन धुल रहे हैं। स्पीड मैंने तेज़ कर दी है कि मैंने सारे काम किए हैं लेकिन जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपनी बेटी के बालों के लिए एक मिक्सचर। मैंने ले लिया है यहाँ पे योगर्ट 2 स्पून, 2 स्पून ही मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है, मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल हर तरह के बालों के लिए सूटेबल है, आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हल्का सा मैंने इसमें 2 से 3 ड्रॉप मैखल लेमन भी ऐड किया था। और जी ये मिक्सचर रेडी हो गया और मैं इसको जल्दी से अपनी बेटी के बालों पर लगा दूँगी।
अच्छा जी, ये मास सिंपल है ज़रूर, लेकिन इसमें बहुत अफादियत है, मतलब बहुत अच्छा है। जो योगर्ट है वो आपके बालों में सिकरी नहीं आने देता, और जो मस्टर्ड ऑयल है वो आपके मॉइस्चराइज करता है अच्छी तरह से। लेमन से आपके बालों में शाइन बहुत अच्छी आ जाती है। तो जी मैं अक्सर जल्दी वाले काम के चक्कर में ना, तो फिर ये वाला मास्क एमरजेंसी में बना लेती होती हूँ, ये लगाती हूँ अपनी बेटी के बालों में, इससे बाल काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। फिर जी ये हो गया था, लंच तो नहीं कह सकते, ऑलमोस्ट 4 बजे का टाइम, जब मैं बाकी कामों से फ्री होके मैंने सोचा मैं आना आज बच्चों के लिए पिज़्ज़ा बनाती हूँ, होममेड पिज़्ज़ा। उसके लिए मैंने सॉसेज ले लिए थे और मैं इनको थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ ताकि ये अच्छे से फ्राई हों, तो फिर इनकी टॉपिंग पिज़्ज़े पे अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे हमने शिमला मिर्च ले ली है बेल पेपर, उसको मैं बारीक बारीक काट लूँगी। और जी जो घर में अवेलेबल थी चीज़ें उसी से मैं पिज़्ज़ा बनाऊँगी। ये मैंने थोड़ा सा ऑनियन भी ले लिया है, बच्चे ज़्यादा सब्ज़ियाँ पसंद नहीं करते पिज़्ज़े पे, तो मैं सिंपल सिंपल सी चीज़ें ऐड कर रही हूँ। मेरे पास चिकन नहीं था तो मैंने ये सोसीज ऐड कर दिए। ये मैंने चीज़ 2 तरह की ले ली है, मोजरेला और चेडर दोनों, और साथ में हर्ब्स ले लिए, मिक्स गार्लिक पाउडर ले लिया है, और ये पास्ता सॉस कह लें आप इसको, पिज़्ज़े पे भी ऐड कर सकते हैं, ये मशरूम के साथ बहुत अच्छी और टेस्टी सॉस है। यहाँ पे थोड़ा सा फ्रूट भी वाश कर लेते हैं, स्ट्रॉबेरी को मैं पानी के अंदर थोड़ा सा विनीगर डाल के फिर वाश करती हूँ, इस तरह ना ये 3-4 दिन आराम से निकल जाते हैं इसके साथ। तो जी ये इतने प्यारे दोनों कलर जो दिखने में खूबसूरत लगते हैं, खाने में तो और भी मज़े के होते हैं, हम सबकी फेवरेट है ये बेरीज फ्रूट जो हैं। वैसे भी साउथ अफ्रीका में समर स्टार्ट हो गया है तो ये इतने मज़े मज़े के फ्रूट सब आ गए हैं। तो जी यहाँ पर हम बना लेते हैं पिज़्ज़ा डो, जो कि मैंने पहले दिखानी थी वो बाद में क्लिप ऐड किया है। चलिए कोई बात नहीं, ये जो कप है ना ये 250 ग्राम वाला है, लेकिन आपने 500 ग्राम वाला बड़ा कप लेना है, मेरे पास वो नहीं था तो मैं इसी को 4 डाल दूँगी 4 साइज़ में ना। तो अगर बड़ा कप है 500 ग्राम, तो आप इसके 2 कप के साथ बहुत अच्छे 2 साइज़ के अच्छे साइज़ के पिज़्ज़ाज़ बना सकते हैं। तो जी ये मैंने 2 कप मैदा ले लिया, और उसके अंदर मैंने 2 टीस्पून जो है ना वो मैंने डाल देना है बेकिंग पाउडर, थोड़ा सा मैं और ऐड करूँगी पिंच एक, ताकि कम ना हो जाए। और हम इस डो को बड़ी जल्दी से घर में ही यीस्ट के बगैर बनाएंगे। तो जी मैंने ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा सा नमक ऐड किया है, अब हम इस डो को योगर्ट के साथ बनाएंगे, ठीक है। योगर्ट भी आपने इतना लेना है कि जिससे आपकी डो बन जाए, मतलब आपने पानी यूज़ नहीं करना, आपने सारा जो डो बनाना है वो आपने योगर्ट के साथ ही बनाना है। टेम्परेचर रूम टेम्परेचर लीजिएगा सारी चीज़ें। तो जी आप इसमें एक एग भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने एग नहीं ऐड किया, मैं योगर्ट के साथ ही इस डो को गूंद लूँगी। और डो भी आपने इतनी सॉफ्ट बनानी है ताकि उसमें कोई लम्स भी ना आए, और बहुत सॉफ्ट डो बनानी है ताकि वो पिज़्ज़ा राइज अच्छी तरह से हो जाए। अच्छा जी ये डो आप देख रहे हैं कितनी सॉफ्ट है, और मैं इसको ड्राई फ्लोर के साथ थोड़ा सा हैंडल करने की कोशिश कर रही हूँ, 2 पेड़े मैं इसके बना लूँगी ताकि दोनों इक्वल पिज़्ज़ाज़ बने। और इसको आपने, अगर आपको बहुत ज़्यादा नरम लगे, आपने इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना, आप 10-15 मिनट के बाद इसकी डो को मतलब रोटी की सूरत में बना कर उसको पिज़्ज़ा की सूरत में तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ड्राई फ्लोर ज़्यादा लगाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि डो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, उसको हैंडल करना मुश्किल हो रहा है। तो जी ये मैंने बेल लिया है, इसको थोड़ा सा रोटी से मोटा रखना है। 2 तवे मैंने प्री हीटेड होने के लिए रख दिए थे, और उस पर मैं इसको राइज करूँगी, मतलब हल्का सा मैं इसको पकाऊँगी। और जैसे ही आप दूसरी साइड पलटें, दूसरी साइड पे आपने सारा मटेरियल लगाना शुरू कर देना है। ये बहुत मज़े के बनेंगे, सॉफ्ट भी बने थे और होममेड थे सबसे बढ़ के, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे घर में लाइट नहीं थी, हमारे उस दिन लाइट की मतलब ऑफ थी, तो मैं इसलिए ओवन का यूज़ नहीं कर सकी, वरना मैं ओवन में ही बनाती, इसलिए मैंने तवे पर ही बना दिया। तो जी सबसे पहले मैंने लगा दी थी वो पास्ता सॉस जो कि मशरूम के साथ बनी हुई है, बहुत टेस्टी थी, वो मैंने ऐड कर दी। उसके बाद मैंने थोड़ी सी टमाटो सॉस और मायोनीज भी ऐड की। उसके बाद हम डाल देंगे इस पे बेल पेपर कहीं कहीं पर, फिर उसके बाद हम अपने सॉसेज जो मैंने फ्राई किए थे वो डाल देंगे, या आप चिकन बनाएं तो वो डाल दें, ओनियन भी ऐड करेंगे। उसके बाद इसकी सारी टॉपिंग जितनी भी आपने डालनी वो डालकर इसको हल्की आँच पर बेक कर लें।
तो जी ये देखें पिज़्ज़े की लेयरिंग कितनी अच्छी सी लुक दे रही है, बहुत मज़े मज़े का लग रहा है। और इसके बाद आपने इसमें मिक्स हर्ब्स डाल देनी है या ओरिगानो डाल दें और उसको हल्की आग पे स्टीम होने के लिए रख दें। यहाँ पे दूसरी डोज भी बन रही है। तो जी यहाँ पर मैं एक स्वीट पिज़्ज़ा यानी चॉकलेट पिज़्ज़ा भी बना रही हूँ, मेरे छोटे बेटे को वो बहुत पसंद है, तो मैंने कहा चलो एक छोटा सा उसके लिए चॉकलेट वाला ऐड कर दूँ। यहाँ पे मैंने हल्की सी नुटेला लगा दी है यहाँ पर, और साथ में मैं थोड़ा सा चॉकलेट सिरप इसमें ऐड कर दूँगी। चॉकलेट सिरप से और नुटेला मिक्स हो के ना बड़ा अच्छा सा फ्लेवर हो जाता है। और इसके बाद हम लोग इस पर चॉक चिप डाल देंगे, आपकी मर्ज़ी, आप स्प्रिंकल भी बाद में ऐड कर सकते हैं बच्चों को अट्रैक्शन के लिए। और ये चॉकलेट सिरप लगाने के बाद मैं इस पर हल्की हल्की सी चॉक चिप डाल दूँगी, वो भी हल्की सी, जब मेल्ट हो जाएगी तो बहुत अच्छा फ्लेवर देगी। ये देखें जी कितना कमाल लुक लग रही है इसकी। और ये जो एक बाइट टूटी हुई ना, वो मैंने टेस्ट के लिए निकाली थी थोड़ी सी, तो वो पिज़्ज़े की शेप ही ख़राब हो गई। तो यहाँ पर जी ये सेकेंड वाला पिज़्ज़ा, इसकी मैंने लेयरिंग स्टाइल से कर दी चीज़ लगा के, और ये माशाल्लाह से तीनों रेडी हो गए हैं। चलिए जी हम लोग ट्राई करने लगे अपना पिज़्ज़ा, बच्चों के रिव्यू सुनते हैं। तो जी बच्चे तो थे बेचैन खाने के लिए कि देखें कैसा मम्मा ने पिज़्ज़ा बनाया घर पर। ये मैंने सेकंड टाइम ट्राई किया है, लेकिन खाया जाता है, इतना बैड नहीं होता कि आप खा ही नहीं सकते, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीज़ें अगर आप ट्राई करें तो इंसान बना ही लेता है। चलिए जी हम एंजॉय करते हैं अपना पिज़्ज़ा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। कल नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।